वो तो मुझे पहले से ही मालूम था माँ कि हमारा राजू एक दिन विद्वान बनेगा। जा मिठाई वाले से मेरा नाम लेकर अपनी मनपसंद मिठाई खा ले, जा। नहीं भैया नहीं, मैं पास हो गया इसका मतलब थोड़ी होता है कि अपनी सारी जिंदगी पुस्तकों में गुजारूंगा। मैं माँ और आपकी हल चलाने में मदद करूंगा। अरे पगले, तेरा काम है पढ़ाई करना, मेरा काम है हल चलाना। तू अपना काम कर, मैं अपना काम संभालता हूँ, तू जा, जा तू। नहीं भैया नहीं, मैं भी इस बंजर जमीन पर हरियाली लाने की कोशिश करूंगा। बुलावा आ गया है, वादा कर तू विक्रम की हर बात मानेगा। आज से विक्रम ही तेरा सब कुछ है, वादा कर बेटा। माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ विक्रम, बेटे यह मंगलसूत्र है, तेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे पहनाया था। ये हमारे खानदान की आखिरी निशानी है, इसे जब भी देखोगे अपनी माँ को याद करना। माँ मैं कसम खाता हूं
कि आज के बाद मैं राजू को अपने साथ ही रखूंगा, उसे कभी जुदा नहीं करूंगा अपने से। साहब, साहब यहाँ कोई नौकरी मिलेगी? साहब दर्द है क्या? पाउडर पाउडर। साहब वो क्या होता है? हरिया, नशे ने तुझे जानवर बना दिया है। ये लीजिए साहब पानी। आपको साहब ये लीजिए अचार। कितने पैसे? भैया साहब 4 रुपए 12 ना। एक रोटी और खा। बस बस भैया साहब, अब और नहीं। अरे अभी तूने कुछ खाए कहाँ जो बस बस करने लगा? शर्मा मत तो रोटी खा। भैया साहब वो मैं बाकी खाना अपने छोटे भाई राजू के साथ खाना चाहता हूँ। वाह, कमाल का लड़का है तू। मुझे खुश करने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ खा लिया और बाकी का खाना राजू के साथ खाएगा, उसे खुश करने के लिए। जी वो राजू मेरे बिना खाना नहीं खाता। तूने भी मेरा यही हाल कर दिया है विक्रम। जब से तू नौकरी पे लगा है ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरा भाई मिल गया। तेरे जैसे मैं भी अपने भाई को बहुत चाहता हूं, लेकिन वो मेरे प्यार को नहीं समझता। दरअसल उसकी सोबत ही गलत लोगों के साथ हो गई है। ए, 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 माल को हाथ नहीं लगाना। क्या पहले पुराना कर जा चुका, फिर नया माल लेके जा। देख रघु, तेरा कर्ज चुका देगा यार, एक पुड़िया दे देना। कैसे देगा तू? हाँ कैसे देगा? चल चल पूरी दर से चल, गिनती में कमती हो जा। चल चल नहीं देगा नहीं देगा अब ले ना मामा। देख रिया मेरे साथ काय को लड़ता है? अरे ये तो अपन का धंधा है, लड़ना है तो अपने भाई के साथ जाकर लड़ना। जो दोनों हाथों से अनाथों में अपनी दौलत बांट रहा है, फिर तेरे हिस्से में क्या बचेगा? क्या बचेगा तेरे हिस्से में? क्या बचेगा तेरे हिस्से में? बोल रिया। मार दूंगा उन्हें मैं। ये ले चाबियां, अब से होटल तू संभाल। वाह भैया साहब, जिसे चाहते हो उसे अपना सब कुछ दे देते हो, ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि वो है कौन। इंस्पेक्टर क्या बन गया है कि हर एक को शक की नजर से देखने लगा है? इंस्पेक्टर भी तो तुम्ही ने बनाया है भैया साहब, वरना मैं हजारों अनाथ बच्चों की तरह भटक भटक कर न जाने क्या बन जाता। कोई किसी को नहीं बनाता, ये सब ऊपर भगवान के हाथों में है। ये जो विक्रम है ना, ये बहुत नेक लड़का है। गांव से नया नया शहर में आया है, इसे देखता हूं तो भाई की कमी पूरी हो जाती है। भैया साहब तू चिंता ना कर विक्रम, जब तक तेरे भैया साहब जिंदा हैं तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। हरिया क्यों रे, तू अपने भाई पर गोली चलाएगा? बोल। तू मेरा भाई? हाँ, तुझे तो भाई कहते हुए भी शर्म आती है। तुझसे अच्छा तो ये गैर निकला जिसने नमक की कीमत तो समझी। यदि भाई का अर्थ समझा होता तो आज ऐसी कमीनी हरकत नहीं करता।
नहीं भैया साहब, भैया साहब, नहीं भैया साहब, तेरी बारी है। तू मुझे मारेगा? चला गोली, चला। जोशी जी, मैंने भैया साहब का खून नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। भैया साहब को तो हरिया ने मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कहता हूं जोशी जी। भैया साहब, जिसने तुझे जीने का सहारा दिया, तूने उसी को मार डाला। नहीं जोशी जी, एहसान फरामोश हरामजादे, नीच, नाच, नीच। नहीं जोशी जी, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। जोशी जी, राजू, राजू उठ मेरे भाई, चल चलते हैं। क्या हुआ भैया? चल अपने गांव वापस चलते हैं। भैया हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग गांव जा रहे हैं राजू। पर अचानक क्यों? तू डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा, बस अब गाड़ी आती होगी। हाँ भैया, मुझे प्यास लगी है। अच्छा, तू यहाँ आराम से बैठ, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। देती हूँ, चलो अब। हाँ राजू,
मैं जानता हूँ राजू, तू भूखा है ना? तूने कुछ नहीं खाया ना? तू अपने भाई के बगैर खाना नहीं खाता ना? लेकिन अब से तू खाएगा, खाएगा तू। वो तो तुझे छोड़कर चला गया, वो वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो तुझसे ज्यादा पैसों से प्यार करता है। खा ले, तुझे भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है, बदले की लगी भूख, भैया साहब के खून की और तेरे पुत्र की। ये ले, ये हमें कभी धोखा नहीं देगी। मेरा राजू, माल कहाँ है? राजू, अगर पता चलेगा तो जिंदा नहीं छोड़ेगा, कुत्तों की मौत मारेगा तुमको। बोल, माल कहाँ है? बोल। छोड़ दे, ये तुमने ठीक नहीं किया यार, तुमने ठीक नहीं किया।
हवा का रुख अब बदल गया है, तेरा माल अब हमारे कब्जे में है। वो मेरे को मालूम, लेकिन वो जो राजू नाम के सांप के बच्चे को तूने पाल कर रखा है ना, वो अभी डसने लगा है। इसलिए मैं तेरे को बताने आया कि वो राजू का सर में कुचलने का और रमाल का बस वो कैसा वसूल करने का है वो हमको मालूम।
Who's that? Hmm? What? 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 You? 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 Come on, man! Action!
क्यों लके? सब ठीक है ना? अपुन के होते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं सेठ। हाँ, एक छोकरा बिन पैसे लफड़ा किया, अपुन उसको ठीक कर दिया। क्या किया था छोकरे ने? किचन में से रोटी चुराया, अपुन ने साले का हाथ ही तोड़ दिया। आज के बाद किसी गरीब को आंख भी दिखाई तो अंधा कर कर भीख मंगवा दूंगा, समझा? आइंदा ऐसे मत करना। क्या से क्या बना दिया भैया साहब के इस छोटे से होटल को? आज तुम्हारे सारे सपने सच हो गए। जानता हूं, जब तक राजू मेरा है सब कुछ मेरा है। देख तेरी टीना। Thank you.
कोशिश न कर ना प्यार कर न मुझे याद कर खुद को न यूं बर्बाद कर ना प्यार कर न मुझे याद कर खुद को न यूं बर्बाद कर मुझे छोड़ दे दिल तोड़ दे ना मैं तेरा आशिक दीवाना क्या कर रही है तेरी राह देखती थी रे क्यों तेरे को एक बात बताने आई हूँ ये प्यार होता है ना अंधा होता है मैं भी अंधी हो गई मैं सच्चे मन से प्यार करती हूँ नाटक बंद कर तेरे जैसी छोकरी मन से नहीं जेब से प्यार करती है देख राजू तेरा भी कोई नहीं और मेरा भी कोई नहीं तुझे घर चाहिए और मुझे सहारा मैं तुझे धोखा कभी नहीं दूंगी तेरे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी झूठ बोल रही हो टीना यहां कोई किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ता सब किसी ना किसी को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं नहीं जोशी जी मैंने खून नहीं किया आप मेरी बात का यकीन कीजिए मेरा भाई राजू वहां खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है मैं निर्दोष हूं जोशी जी मैंने भैया साहब का खून नहीं किया मैंने खून नहीं किया जोशी जी मैं निर्दोष हूं जोशी जी मैंने खून नहीं किया मैंने खून नहीं किया जोशी जी मैंने खून नहीं किया राजू हरिया को नहीं छोड़ूंगा राजू हरिया तुम दोनों से बदला लूंगा चल फुट हमदर्दी दिखाने का कोई जरूरत नहीं है नहीं हमदर्दी की नहीं लेकिन ये हरिया कौन है कहीं आप
भैया साहब के छोटे भाई हरिया की तो बात नहीं कर रहे? ठीक बोला, वही हरामजादा। जब से उसे राजू मिला है तब से हमारे शेट्टी जी के नाक में दम कर रखा है। जुल्म वो करता है, सजा हमको मुकदमा पड़ता है। राजू? कौन राजू? वही बिन माँ बाप का पिल्ला जिसे हरिया ने 9 साल पहले प्लेटफॉर्म से उठाया और जमीन पे बिठा के आसमान दिखा दिया। राजू, मेरे भाई? नहीं राजू, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू ऐसा नहीं कर सकता राजू। क्या विक्रम जेल से भाग गया? जी हाँ सर। लेकिन उसकी सजा खत्म होने में तो सिर्फ 2 महीने बाकी थे। यही तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा सर। ठीक है, मैं देख लेता हूं। ओके सर। ओके। तूने मेरे भाई राजू को नर्क की मंडी का बाशिंदा बना दिया, उसका भी हिसाब आज पूरा करूंगा मैं। कमीने, क्यों बर्बाद कर दी दो भाइयों की मासूम जिंदगी को? क्यों क्यों जुदा कर दिया मेरे भाई राजू का मुझसे? बोल, बोलता क्यों नहीं हरामजादे? बोल। हरिया, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता हरामजादे। मेरे होते हुए हरिया को कोई नहीं मार सकता। राजू, मेरे भाई, ये क्या कर रहा है तू? अरे, मुझे पहचानने की कोशिश कर पगले। मैं तेरा भाई विक्रम हूं और तू मेरा खून है। और आज तू हमारे दुश्मन हरिया को बचा रहा है? किस खून की बात कर रहा है तू? अगर हरिया नहीं होता तो ये खून भी नहीं होता। और रही भाई की बात, कौन है तू? मैं तुझे जानता तक नहीं, फिर रिश्ता कैसे जोड़ लिया तूने? रुक जा वहीं। हरिया तक पहुंचने से पहले हरिया के दुश्मन को इस चट्टान से टकराना होगा। ये खून भी तेरे ही सर होगा। किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे? निर्दोष होने के बावजूद मैंने 9 साल जेल की काल कोठरी में गुजार दिए। मेरा राजू वो भी मुझसे बिछड़ गया और तू तमाशा देखता रहा। जिस भाई को मैं एक नेक इंसान बनाना चाहता था वो शैतान बन गया और तू फिर भी तमाशा देखता रहा। मगर आज तुझे इंसाफ करना ही होगा। दुनिया जिस विश्वास से तुझे पूछती है, अगर तू वही भगवान है तो तुझे मेरा भाई वापस लाना होगा। मेरे भाई को सही रास्ते पर लाना होगा। मेरे भाई को सही रास्ते पर जाना होगा। भी नहीं छोड़ती शैतान लोग। ये कलयुग है मैम साहब, आज भगवान और शैतान के बीच कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा। आपके जख्म से तो खून बह रहा है। मेरे घर चलिए, मैं पट्टी लगा दूंगी। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। प्लीज चलिए।
सीमा जी, बस यही है दो भाइयों की दुख भरी कहानी। वक्त और हालात ने तुम दोनों भाइयों के बीच जो दीवार खड़ी कर दी है, एक दिन तुम इस दीवार को जरूर गिराओगे और तुम्हें अपना भाई जरूर मिलेगा। चीता को जेल से निकालने का तुम्हारा काम, समझा? बेचारे को 2 साल का सजा हो गया। शेट्टी का आदमी जेल में बंद और राजू बाहर घूमे, ये कैसा हो सकता है? रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। रॉन्ग को राइट करना हमारा काम है। हम चीता को जल्दी जेल से छुड़ा लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके सर, सेठी साहब मैं चलता हूँ। गुड 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 गुड। देखा हमारा लॉयर कितना भरोसे वाला आदमी है। व्यंकटेश व्यंकटेश व्यंकटेश, ये सब वक्त का तकाजा है व्यंकटेश। क्या मतलब? जब तक राजू हरिया के साथ रहेगा तब तक तेरा प्रेशर बढ़ता ही रहेगा। क्या रखा मैंने कुत्ता साला, जिस थाली में खाने का उधर ही होल करने का, इसलिए तेरा नाम शनि अवतार रखा है। अन्ना, आजकल लोग शनि के पीछे बहुत भागने का। ये सुनी ले अंदर के लिए। व्यंकटेश, रोज राजू का नाम का धमकी देने का मेरे को। एक दिन ये शेट्टी मुदलिया, ये शनि मंगल सोम सब तोड़ के डाल देगा तेरे अंदर। राजू, राजू मेरे भाई, मेरी बात तो सुन। मैंने भैया साहब का खून नहीं किया और ना ही मैं तुझे प्लेटफॉर्म पर छोड़कर भाग गया था। मुझे तो वहां पुलिस ने, राजू मेरी बात तो सुनता जा। राजू तू गलत रास्ते पर जा रहा है, लौट रहा है तुझे अपनी मां की कसम। राजू, राजू मेरी बात तो सुनता जा। राजू तू गलत रास्ते पर जा रहा है, लौट रहा तुझे अपनी मां की कसम। राजू, मां मैं जानता हूं, मां तू नाराज हो गई है, बहुत दुखी है ना तू मुझसे, लेकिन तू ही बता मैंने जो कुछ किया वो गलत था क्या? तूने मरते समय मुझे भाई के हवाले किया था, लेकिन उस भाई ने क्या किया मुझे, मुझे इस शहर के हवाले कर दिया, इस पत्थर के शहर के हवाले कर दिया मुझे। एक अकेला बच्चा जिसे कुछ भी नहीं मालूम, अपने घर का रास्ता भी नहीं मालूम, किस रास्ते पर जाता वो, बोल मां किस रास्ते पर जाता? उसे जो रास्ता दिखाई दिया उसी पर चल पड़ा और चलते चलते यहां तक आ गया। तो अब कहते हैं कि वापस लौट चलो, क्यों जाऊं मैं वापस? मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। अब से यही मेरा घर है, यही मेरी दुनिया, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं,
नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा मैं। Thank you.
इस बात का बहाना अच्छा है, बरसात का बहाना अच्छा है, दिल तोड़ के मेरा मत जाओ, मुलाकात का बहाना अच्छा है। हेलो, कौन बोलने का? बॉबसन, किधर से मुंह खोला तूने? अमेरिका से? बोल बोल बोल। अच्छा, डॉलर का इंतजाम हो गया साहब? ठीक है ठीक है, तो कल डॉलर लेके बॉम्बे डॉकयार्ड पे आ जाना, उधर में तेरे को कोकेन, हीरोइन सब दवाई देने का, बॉम्बे डॉकयार्ड पे देने का, तेरे को सब देने का मैं। डॉलर का इंतजाम हो गया ना? अच्छा, नहीं नहीं मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके सब ठीक है। हाँ, मुंह बंद कर दे, ज्यादा नहीं बोलने कर रहा, मुंह बंद कर। ठीक है। कल तक मैं जो सपना सपने में देखता था वो कल हकीकत में बदल जाएगा। मेरा क्या होगा? तेरा, तेरे को तो मैं इधर अकेला सड़ने को छोड़ के जाऊंगा। तो बार बार बोलने का ना मेरे को, राजू मेरे को शरीर से छुड़ाएगा, शरीर से छुड़ाएगा, मेरे को श्राप देने का ना तू सारी तरह केला टट्टी का माफी। बुरा मत मानना अन्ना, लेकिन सितारों के अनुसार तेरा ये सपना हकीकत में कभी नहीं बदलेगा। क्या बोला रे तू? हाँ अन्ना, तुम्हारा डॉलर का बैग कोई और साफ करके जाएगा। रहा बात विदेश जाने का, कुंडली बताता तुम्हारा मैक्सिमम उड़ान जेल का चार दीवारी तक होगा। काला बात बोलने का कौवे का माफ, काला बात बोलने का। ये उदासी क्यों? शेट्टी को कल पंख लगने वाले हैं। कल उसे 20 लाख डॉलर मिलेंगे और फिर वो इतनी ऊंची उड़ान भरेगा कि शायद वो हमें खत्म कर दे। मालूम है मुझे, मगर वो उड़ान तभी भरेगा जब उसे डॉलर मिलेंगे। नहीं राजू, इस बार उसके रास्ते में आना खतरे से खाली नहीं है। हरिया, मौत से वो लोग डरते हैं जिनका जिंदगी से कोई रिश्ता हो। मेरा तो सिर्फ एक ही रिश्ता है जिससे मुझे मौत ही मिला सकती है। मैं जोशी, मैं सबका दोस्त, आपका भी दोस्त। मैं दोस्त हो तो दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। ज्योतिषी होकर क्या दोस्ती निभाता? मैं आपका कुंडली बना सकता। कुंडली? आज तुझे किसी की कुंडली बिगाड़नी है? चल। पंचर जी, पंचर टायर बदल कर जल्दी है। स्टेपनी इल्ले इल्ले माल ये मिले तेरा। मैं ऐसा कुंडली बनाएगा तू कभी मरेगा ही नहीं। मैं तेरे लिए भरतनाट्यम करने को रेडी। मेरे को दारू मत पिला। चुप है व्यंकटेश, ये ले सोमरस पी ले और दूसरी दुनिया में पहुंच जा। थोड़ी देर में बापसन आएगा। तूने मुझे सोमरस पिलाया ना राजू, मेरे अन्ना को पता चलेगा तो मेरे गन्ने का रस निकाल देगा रे। गलत बोला शक्ति, तू है
बॉब्सन से तू मिलेगा। मैं? ये सब माल बॉब्सन को तू देगा। मैं? डॉलर का बैग उससे तू लेगा। मैं? समझा? लेपी। ठीक है बोला तू। आज से मैं शेट्टी मुदलिया और वो साला शनि बनकर इसमें घूमेगा। मैं शेट्टी। बॉब्सन अन्ना, बॉब्सन अन्ना, इधर आ जा तू। बॉब्सन अन्ना। हेलो मिस्टर शेट्टी। माल किधर है? नहीं तो ये रहे तुम्हारे डॉलर का बैग। उधर है माल। ले, ये हमारा माल है। अरे तुम मेरा शेट्टी का माल चेक करने का? फुट बिफोर आई शूट। ओके ओके नो प्रॉब्लम। वेंकटेश वेंकटेश। गोरे का माल चुरा कर भागता है, यू चीट। बैग दे दे, नहीं तो गोरे की जंजीरों में फिर से जकड़ दूंगा तुझे। ये बैग लेकर तू यहां से जिंदा नहीं जा सकता। गोरे की औलाद, हिंदुस्तानी बाजुओं में कितनी ताकत है इसका फैसला अभी हो जाएगा। माल चाहिए तो ले जाए इसे। मां कसम, तेरा व्हाइट वॉश ना कर दिया तो हिंदुस्तान की मिट्टी का बेटा नहीं।
मेरा डॉलर शान्या, तू क्या करने का रहे इधर? मेरे भाई, ये क्या हुआ राजू? कारण बेहोश हो गया है। मेरे राजू को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। राजू ठीक हो जाएगा विक्रम, सब ठीक हो जाएगा। शायद इसीलिए भगवान ने आज तुम्हें राजू से मिलाया है, ताकि तुम इस दीवार को तोड़ सको जिसने तुम दोनों को अलग कर दिया था। सीमा,
काश तुम्हारी बात सच निकले, मुझे मेरा भाई वापस मिल जाए। राजू, दर्द हो रहा है राजू, दर्द? तू क्या जाने दर्द क्या होता है? पूछ, दर्द क्या होता है उस लावारिस बच्चे से जिसे अजनबी शहर में कोई अपना छोड़कर भाग गया हो? पूछ उस बच्चे से जिसके पास सर्दी की रात में बदन छुपाने के लिए कुछ ना हो। पूछ उस बच्चे से जो भूख से मजबूर कचरे में पड़े खाने को खाने जाए मगर वो भी कुत्ते उसे खाने ना दे। दर्द मालूम होता है उस बच्चे को। मैं गुजरा हूं इन सब दर्दों से और इन सब का जिम्मेदार तू है, तू। ये तो क्या कह रहा है मेरे भाई? मर गया तेरा भाई उसी दिन जिस दिन तू उसे अकेला प्लेटफॉर्म पर छोड़कर भाग गया था, और आज जो तेरे सामने खड़ा है वो तेरा भाई नहीं राजू है, सिर्फ राजू। और राजू किसी का एहसान नहीं लेता। राजू कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, शायद अपने घर पे होगा। घर पे नहीं है वो। खैर, हरिया कहाँ है? राजू कहाँ है? राजू रात का समय है, होगा किसी ना किसी की बाहों में। हरिया, तेरे पालतू कुत्ते राजू के खिलाफ वारंट है मेरे पास, उसे फौरन हाजिर कर वरना अच्छा नहीं होगा। अंकल, आप कुछ ठंडा पिएंगे? ठंडा तू अपने लिए मंगा ले हरिया। तेरे कुत्ते राजू ने अपने आदमियों के साथ मिलकर रॉबरी की है, वो बुरी तरह से जख्मी है। जख्मी? वो जख्मी कैसे हो गया? मैंने किया है उसे गोली मारकर। राजू, 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 ये क्या? राजू, नहीं, राजू। कहना क्या चाहते हो? $20,00,000 बहुत बड़ी रकम होती है रिया सेठ, इंसान को हैवान बना देती है। कहीं आपका राजू? राजू के बारे में ऐसी बात सोची कैसे? मेरा राजू दुनिया को धोखा दे सकता है, हरिया को नहीं। आइंदा मेरे राजू के बारे में ऐसी बात सोची तेरी जबान खींच लूंगा। क्या देख रहे हो? उस चीज को जो आंखों के बिल्कुल सामने थी फिर भी आज तक दिखाई नहीं दी। कौन सी चीज? तुम्हारा प्यार। कितना दुख दिया मैंने तुझे, कितना सताया है। मुझ में तो माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं। माफी मत मांगो, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा जो तुम बरसों से सुनना चाहती थी। क्या? I love you. Raju.
टीना वो मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। आज से टीना नाचेगी तो सिर्फ तुम्हारे लिए, गाएगी तो सिर्फ तुम्हारे लिए। I love you.
अच्छा लगता है। एक दिन झगड़ा, एक दिन प्यार, हाँ एक दिन झगड़ा, एक दिन प्यार। ये शेट्टी मुदलियार के ब्लड प्रेशर को प्रेशर हो गया। साला ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये सब वो राजू का कारण हुआ है। इससे पहले कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ सर। अब तो आप एक चलती फिरती लाश हैं। पर लाश होगा तू रे, डेड बॉडी होगा तेरा बाप। तू निकल, निकलने तो देता तेरे को, निकल निकल साला। मेरे प्रेशर को मेरे शरीर से आउट कर दिया और राजू ने। पहली बार तुमने ठीक बोला अन्ना। तुम्हारा प्रेशर तो मैंने इस बोतल में बंद कर दिया है अन्ना। रहा सितारों का बात, तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है अन्ना। ये शहर छोड़ दो, नहीं तो राजू तुमको इस शरीर से छुड़वा देगा। क्या रे तू मेरा ब्रदर कर दुश्मन का बड़ाई करने का? ब्लडी फूल कुत्ता साला बेवड़ा, तू दारू भी पीने लगा। राजू मेरा माल लेकर भाग गया, ये बॉबचंद पकड़ा गया। इट्स नॉट गुड, इट्स वेरी बैड। नाक में दम कर दिया कुत्ते के बच्चे ने। और राजू बूजी बूजी टीजी टीजी टक टकूजी, वो टकना कूजी माँ की भूखे वो ठिकाने लगा दूंगा मैं उसको। मैं आता हूं। डॉलर का बैग मैंने वहीं रखा था, मगर अब पानी भर गया है, बैग मिला नहीं। 20 लाख डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है हरिया सेठ। क्या करने का? क्या करने का? कृष्णा कृष्णा कृष्णा। क्या रे कृष्णा कृष्णा, तू क्या द्रौपदी रहने का? कृष्णा आने का तेरे को बचाने को, चल नंगा हो। काट 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 काट। आज से मेरा हर काम तू करेगा, पकड़ा भी गया तो तू मरेगा, और मैं शनि बनकर आजादी से घूमूंगा। व्यंकटेश व्यंकटेश। नहीं अन्ना अन्ना अन्ना, हाथ छोड़ रहे। चुप कर रहे, तेरे कारण राजू मेरा डॉलर का बैग लेके गया। वो बैग भी तू ही लाएगा और तू ही राजू को खत्म करेगा। अरे अन्ना मैं मक्खी नहीं मार सकता, राजू को क्या मारने का? राजू को बर्बाद करने के लिए मैं महायज्ञ करेगा, पूरे यमलोक हिला देगा। मेरे को ऐसा बर्बाद मत कर अन्ना। चुप रह, सीना तान के बात कर। सीना? हाँ। यहाँ तो सिर्फ पसीना है। तू अभी शनि नहीं शेट्टी मुदली आ रहा है, और यह है तेरा दंड। लगता है बाकी का जिंदगी मेरे को ऐसे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह है मेरा दंड। मैं शेट्टी नहीं शराबी, मैं शेट्टी नहीं शराबी, मैं शेट्टी नहीं शराबी। राजू गारू, मेरा डॉलर का बैग कहाँ है? मैं शेट्टी नहीं हूँ, मैं शनि हूँ। राजू का राजू का मैं व्यस्त।
शनि सब ठीक हो जाएगा। शनि को पट्टी तो बांध दी है, बाकी सब भगवान के हाथ में। बाकी सब मेरे हाथ में है, शेट्टी के हाथ में। जा। बहुत बुरी तरह से पिटा रहे मेरे भाई को सलाम जादे ने। ठकनुजियो वर्तपू ठा ठा। ठक्कन पर आक्रमण। आक्रमण करना ही पड़ेगा। अब राजू और अरिया को खत्म करने का टाइम आ गया है। शैतान, हम शैतानों से इस हद तक नहीं बच सके तो फिर तू क्या चीज है? एक मामूली इंसान हूं जो तुझ जैसे शैतान को मिटाने के लिए ही इस धरती पर जिंदा है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, गैंगवार में गेविन को राजू ने मार दिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। शेट्टी साहब, राजू ने गेविन को भी मार डाला। राजू का भाई विक्रम आया है। भेजो उसको अंदर। यहाँ क्या लेने आया तू? मुझे राजू चाहिए शेट्टी। ए, शेट्टी नहीं, मिस्टर शेट्टी बोल। जी। तेरे को उसका क्या जरूरत है? मेरे राजू को हरिया ने शैतान बना दिया। उसने मेरे भाई को दूर कर दिया मुझसे। तो जा रे, जाकर बदला ले हरिया से। इधर क्या लेने आया तू? आपकी ताकत, आप ही मुझे मेरा भाई वापस लौटा सकते हैं और आप ही हरिया को खत्म कर सकते हैं। मैं तुम्हारा सब मदद करूंगा, तुमको राजू से मिला भी दूंगा,
लेकिन तब तक जैसा मैं कहता वैसा ही करना पड़ेगा, समझा? क्या रह रही है तू? मैं तेरा कोई ढूंढने का, अच्छा हुआ तुम्हारे को इधर मिल गया। तू और राजू मिलकर मेरे को बीपी का प्रेशर देने का ना, आज मैं ऐसा प्रेजेंट लाया कि तुम दोनों को बीपी का प्रेशर होना। ये देख, ये पहचाना इसको? इसने ही तेरे को अनाथ बनाया ना, हाँ? चल ज्यादा गुरख मत। और राजू मेरे को भी मांगता, क्योंकि वो साला मेरा माल लेकर भागा। उस कुत्ते को बोलना अगर मेरा माल नहीं दिया तो इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, समझा क्या? क्या रे राजू, तू भी छुप के बैठा क्या गार्ड के अंदर? हाँ, पूरा बात सुना मेरा। हाँ, अच्छा हुआ मैं भी तेरे को प्रेजेंट करने का तेरा भाई, मगर जिंदा चाहिए मुर्दा वो जरा सोच लेना। चल रे, अब वक्त आ गया राजू, शेट्टी को मारना पड़ेगा और उसके साथ साथ तेरे कुत्ते भाई को भी। ये किस दलदल में फंस गया तेरा राजू? अगर पैसों का बैग नहीं मिला तो वो हरामजादे तेरी औलाद को मार डालेंगे, और मैं जानता हूं मां कि अगर ऐसा हुआ तो तू मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता मां, वो मेरा भाई ना सही, लेकिन तेरा बेटा तो है। मैं तेरे बेटे को बचाऊंगा मां, बचाऊंगा मैं तेरे बेटे को। मैं तेरी तेरी नजरों में नहीं गिरूंगा मां, नहीं गिरूंगा। शेट्टी, हाँ तेरा ही फोन का इंतजार कर रहा था, बोल राजू। मुझे विक्रम चाहिए और तुझे डॉलर का बैग, बोलिए लेन देन कहाँ होगा।
कल भाऊचा धक्का पर। शेट्टे, हाँ तेरा ही फोन का इंतजार कर रहा था। बोल राजू, मुझे विक्रम चाहिए और तुझे डॉलर का बैग। बोलिए लेन देन कहाँ होगा? कल भाऊचा धक्का पर। सुन लिया ना, अपनी कुर्सी पर बैठाया था ना आपने राजू को, हा? और क्या कीमत दिया उसने आपकी मेहरबानियों की, बोलिए। आज मैं राजू को ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। राजू, thank you.
यह है तेरा असली रूप। भरी महफिल में अपने नंगे जिस्म की नुमाइश कर रही थी, तू तो एक बाजारू। राजू ये सब करना जरूरी था। हरिया ने तुम्हारी और शेट्टी की बातें सुन ली है। वो जानता है तुम विक्रम को बचाने जा रहे हो। वो तुम दोनों भाइयों को मार डालेगा। राजू प्लीज उससे बचा लो। तुमने सुना? गुड बॉय, टाइम पे भी आया और माल भी लाया। वहीं रुक जा शेट्टी। शेट्टी नहीं, मिस्टर शेट्टी बॉल। विक्रम कहाँ है? इधर ही चाहे, पहले माल दे। नहीं शेट्टी, लेन देन में पहले बाद में नहीं होता। इस हाथ ले, उस हाथ दे। बहुत प्यार करता ना अपने भाई को तो। बहुत अच्छा, जा रहे दुश्मन के खून को गाड़ी के बाहर निकाल जा। चल जा आपके भाई के पास। देख लिया, हम दोनों के सिवा आखिर अपना है ही कौन राजू? ये तूने शायद जान लिया होगा मेरे भाई। आ आ मेरे सीने से लग जा और 9 साल की जुदाई को हम दोनों एक पल में भूल जाते हैं। भाई किस जुदाई की बात कर रहा है तू? तू मेरा है ही कौन? अरे पगले, अगर मैं तेरा कुछ नहीं लगता तो आज मेरी जान की खातिर तूने अपनी जान की बाजी क्यों लगा दी? अगर मैं तेरा कुछ नहीं लगता तो आज मेरी जान की खातिर तूने डॉलर से भरा बैग शेट्टी को क्यों दे दिया? बोल राजू, अगर मैं तेरा कुछ नहीं लगता तो तुझे मेरी जान की परवाह क्यों है? क्यों है राजू, क्यों? मां की खातिर। नकली डॉलर रूजी। ये सब नकली रे है? ची, चीता हरिया से पंगा मत ले। अगर उसने पता चल गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सब साले धमकी देता है कुत्ता। तेरा राजू अपने शेट्टी साहब को डर देता है। राजू कहाँ है? अगर बोल राजू कहाँ है बता। बता डॉलर किधर है? चले लेके चलो। चलो अर्जुन, क्या हुआ? मैंने बोला था ना, राजू हमको धोखा देगा। उसने शेट्टी को भी धोखा दिया। उसको नकली डॉलर दिया और असली डॉलर लेकर अपने भाई के साथ भाग गया। राजू ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है। अपने भाई को छुड़ा कर लेके गया और मुझे और तुझे भिखारी बना दिया। मरने का इतना ही शौक था तो मैं यहां क्यों आता? हा राजू ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी तमाचा मारा है। ये कौन सा नया नाटक रहने का तेरा? हकीकत है, जिस सांप को दूध पिलाता रहा उसी ने मुझे डसा। भैया साहब के खूनी को उसने तेरी कैद से रिहा करके वो डॉलर के बैग के साथ
मेरी भी जिंदगी से दूर भाग गया। सोला कमीना, एहसान फरामोश। उस दिन तूने फोन पे ठीक कहा था शेट्टी। ए, शेट्टी नहीं, मिस्टर शेट्टी बोल। कहीं वो हम दोनों को खत्म करके डॉन बनने का प्लान तो नहीं बना रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं। यहां मिस्टर शेट्टी, अगर हमारी ताकतें मिल जाए तो एक नई ताकत पैदा होगी जिसकी अग्नि में राजू और विक्रम दोनों भस्म हो जाएंगे। उसी दिन मुझे सुकून मिलेगा। शेट्टी। यस। आज से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी खत्म। हमारी मंजिल एक है, विक्रम और राजू की मौत। तो बता दे टीना, तूने मेरे राजू को कहाँ भेजा? हाँ? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। देख, मैं तुझे माफ कर दूंगा। हाँ? माफ कर दूंगा मैं तुझे। एक ना एक दिन तो तेरा राजू मुझे मिल ही जाएगा। तेरा राजू मुझे मिल ही जाएगा और फिर मैं उन दोनों भाइयों को जिंदा जला दूंगा। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं जिस पे बात की जा सके। सारी बातें पिछले 10 सालों में खत्म हो चुकी हैं। कोई भी अदालत मुजरिम का बयान सुने बगैर फैसला नहीं करती। मुझे सजा देने से पहले मेरी कहानी तो सुन ले। भूल जाओ ये सब। क्या क्या भूल जाऊं? ये भूल जाऊं कि हरियाणा भैया साहब का खून किया और फिर इल्जाम मेरे सर पर आया? झूठ। ये भूल जाऊं कि पुलिस से बचने के लिए अपने भाई को स्टेशन पर छोड़ना पड़ा और फिर वहीं मैं गिरफ्तार हो गया। 10 साल की सजा हुई। जेल में तुझे याद करते करते 2 साल बीत गए। 2 साल से 4 साल, 4 साल से 10 साल। झूठ है ये। ये झूठ नहीं है राजू,
अगर तुम सच्चे हो तो फिर भागते क्यों फिर रहे हो? जाओ, जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस ने अगर मान लिया कि तुम बेगुनाह हो तो फिर मैं भी मान लूंगा, और अगर यह करने की तुम में हिम्मत नहीं तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई छोटा भाई था, और आइंदा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? कमिश्नर साहब, मैं मानता हूं कि वो दोनों भाग गए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कल शाम तक उन दोनों को पकड़ लूंगा, वरना यह पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। राजू की जान खतरे में, जोशी साहब आप उसे बचा लीजिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। साला कुत्ता मुझसे मदद मांगने आया है। नहीं जोशी साहब, आप और राजू दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने भैया साहब का खून नहीं किया। अगर मैंने उनका खून किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं आता। आंखें खोलिए जोशी साहब, सच्चाई को पहचानने की कोशिश कीजिए। सच्चाई क्या है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर तू बेकसूर था तो जेल से भागा क्यों? क्यों भागा जेल से? राजू की खातिर। राजू की खातिर? हाँ जोशी साहब, जब मुझे पता लगा कि राजू को हरिया जैसा जहरीला नाक पाल रहा है तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उस हरामजादे ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, लेकिन मैं उसे राजू की जिंदगी कैसे तबाह करने देता? उसने मेरे भाई को अंधा बना दिया है। राजू की आंखों पर भी आप जैसा पर्दा है। उसे उन बदमाशों से आपको बचाना होगा जोशी साहब, इसीलिए आज मैं अपने आप को कानून के हवाले करने आया हूँ। मैं सिर्फ इतना वादा करता हूँ कि अगर हरिया और शेट्टी कसूरवार हैं तो मैं उन्हें गिरफ्तार जरूर करूंगा। उस कुत्ते विक्रम ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसी के कहने पर इंस्पेक्टर जोशी राजू को पकड़ने गया होगा। वेरी बैड हरिया, अगर राजू ने अपना मुंह खोला तो हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, समझा? वो मालूम ना तेरे को, वो पुलिस के साथ मिलकर हम दोनों को मिटाने का, वो रावण का कैसा बैंड बजाया था, घर का बेदिल लंकट आए। लंका खत्म होने से पहले मैं राजू को खत्म कर दूंगा। तुम यहां क्या लेने आई हो? मैं यहां कुछ लेने नहीं बल्कि देखने आई हूं। मैं उस भाई को देखने आई हूं जिसके लिए विक्रम ने अपनी सारी जिंदगी मिटा डाली। मैं देखने आई हूं उस इंसान को जिसे अपने दर्द का तो एहसास है पर दूसरे के दिल में उसके लिए कितना दर्द है ये उसे पता नहीं। हाँ, मुझे कुछ पता नहीं। मैं कोई नई कहानी नहीं सुनना चाहता। सच क्या है मैं जानता हूं, और फिर तुम होती कौन है मुझसे ऐसी बातें करने वाली? मां, भाभी मां, किसी और रिश्ते का तो कोई संबंध नहीं रहा तुमसे, लेकिन इस रिश्ते का तो सम्मान होगा तुम्हारे दिल में। औरत जब किसी को अपना जीवन साथी मान लेती है तो उसके सारे रिश्ते भी अपना लेती है। आज भी हमारे देश में यही रिवाज है कि जब बड़े भाई की शादी होती है तो देवर को भाभी की गोद में बैठाया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो ये समझ जाए कि वो उसकी माँ समान है। इस रिश्ते से तो मैं तुम्हारी भाभी माँ हुई ना। तुम जिस विक्रम से नफरत करते हो मैंने उसे अपना जीवन साथी माना है। तुम्हें अपने भाई पर विश्वास नहीं लेकिन मुझे उसकी जुबान पर विश्वास है। उसने भैया साहब का खून नहीं किया लेकिन फिर भी वो भागा ये सोचकर कि उसका छोटा भाई उसके बगैर कैसे रहेगा। वो मुजरिम ना होते हुए मुजरिम बन गया। वो तुम्हें प्लेटफॉर्म पर छोड़कर नहीं भागा, उसे तो पुलिस वहीं गिरफ्तार कर चुकी थी और उसे एक लंबी सजा हो गई। सजा के सिर्फ 2 महीने बाकी थे जब वो जेल से फिर भागा। जब उसे ये पता चला कि उसका छोटा भाई हरिया जैसे जहरीले नाक के पास पल रहा है। वाह, इन सब कुर्बानियों का क्या बदला दिया है तुमने अपने भाई को। आज भी एक बार तुमने कहा तो उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूं क्योंकि तुमने उसे सिर्फ जेल जाने के लिए कहा था। अगर तुमने उसे मरकर साबित करने के लिए कहा होता तो अपनी जान दे देता, तो फिर मेरा क्या होता? मैं क्या करती? विक्रम को जेल से उठाना पड़ेगा मिस्टर शेट्टी। भैया भैया
विक्रम कहाँ है? हम जानते थे तू यहाँ जरूर आएगा। विक्रम कहाँ है? भाई की मोहब्बत आखिरकार आज तुझे मौत के मुंह में घसीट ही लाई। विक्रम कहाँ है? तुझे तेरा भाई मरने के बाद नरक में मिलेगा। बोल, जल्दी जाना चाहता है या कुछ टीकर जाएगा? Indian hero! Indian hero! That's a bug! Hey, hey! 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 Oh, Juju, I'm gonna be just a guy! Put the butt to butt! Yeah! Put the skip button! गिलगूसी। विक्रम कहाँ है? Fokarakuzi! Hands up! Fokarakuzi! Hands up!
तुम लोगों ने अब भी नहीं बताया कि विक्रम कहां है तो क्या बूजी बूजी तो मैं तुम दोनों को इसी वक्त खत्म कर दूंगा। तो खत्म कर देगा हमें बूजी बूजी। हा 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 तेरी रशियन को हिंदुस्तानी नहीं कर दिया तो मेरा नाम राजू नहीं। ना काका ना मार, मैं फौजा सिंह लाहौर तो मेरे पिता का नाम सुरजीत सिंह और बड़ा फ्रॉड मैं छोटा फ्रॉड मैं मासूम हूं। ना ना मार, मैं रशियन रशियन नहीं हूं। राजू गारो तेरे भाई को देख, मैं जानता था रे तो गुलाटी मारेगा इसलिए तेरे भाई को इधर लटका के रखा और ये कवला कवला चोकरी लोगों को भी ले आया। अगर ये सब जिंदा वापस चाहिए तो मेरा डॉलर का बैग लेकर एक घंटे के अंदर अंदर डॉक के प्लेटफॉर्म पे आ जा, नहीं तो सबका डिलीवरी में ऊपर करने का। समझा तू? आशिक आता ही होगा। साला काम मर गया ये छोकरा। मुझे टेंशन होता जा रहा है, टेंशन दिलाता। देख रहे है? देख तेरा भाई मेरे को टेंशन देता। देख काम मर गया ये छोकरा। शेट्टी तू क्यों टेंशन ले रहा है? हाँ ये है ना कुत्ता, इसका भाई आता ही होगा। और ये छोकरियां देखे, अगर 5 मिनट के अंदर तेरा भाई नहीं आया ना तो 6 मिनट पर ट्रेन आके तेरे को उड़ा देगी। समझा? तो आज फंसा साला। देख चीता, आज मेरा भाई मुश्किल में है, मुझे जाने दे। मेरा जाना बहुत जरूरी है। हम अपनी दुश्मनी का फैसला किसी और दिन कर लेंगे। आता है दुश्मन को जाने दूं, वो भी माल के साथ। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, आज मुझे जाने दे। ए चिल्लो, अगर कोई भी आगे आया तो मैं ये डॉलर चला दूंगा।
पहले मेरे भाई को छोड़ो और हरिया को बोलो कि अपना गुनाह कबूल करे। हरिया, तू मुझे मारेगा, तुझे मार डालूंगा मैं और इन सबको भी मैं मार डालूंगा। अब बोल, बोल उसे अपना गुनाह कबूल करे। ये मेरे को बहुत ब्लड प्रेशर रहने करे, मेरे को टेंशन मत दिला। बट ये तो मेरे को टेंशन होता, देख मेरे को टेंशन होता, टेंशन मत दिला। वो आग बुझ लगा मेरे। बोल उसको। चला देना डॉलर, चला दे। ये देख शेट्टी। मचा, मचा। मेरा प्रेशर बढ़ रहा, मेरा प्रेशर बढ़ रहा। बोल उसको, तू बोल उसको। नहीं बोलता। तू बोल उसको, मत जा। नहीं, 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 नहीं राजू, नहीं। बोल उसको। हाँ, हाँ। भैया साहब को मैंने ही मारा था, गोली मैंने ही चलाई थी। इंस्पेक्टर जोशी को उल्लू बना दिया। हाँ, जिस कुत्ते को मार डालूंगा। राजू, राजू, नहीं राजू, राजू, राजू। हरिया, 10 साल तक, 10 साल तक जो गंदा खून तूने मेरे अंदर भरा है वो अब बह चुका है, और अब जो मेरे अंदर है वो मेरा अपना खून है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ब्लड प्रेशर है, मैं मर जाऊंगा तो तेरे को फांसी हो जाएगी। तेरा पोल खुल चुका है हरिया, 10 साल तूने मेरी और पुलिस डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंकी है, बस हो गया, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे।
देख मेरे को बहुत प्रेशर होने का, और तेरा भाई इधर नहीं रहे और मैं तेरे देश छोड़कर जाता, हाँ मैं जाऊं? तू ये देश नहीं दुनिया छोड़कर जाएगा हरामजादे। मेरे को नीचे मत मार, मेरे को ऊपर प्रेशर होने का। नहीं विक्रम, ये राहु का पूरा कुंडली मेरे पास है, इसका सब चाल मेरे को मालूम। क्या रे भाई, अगर भाई को पकड़वाता तू। मैंने तेरे को क्या बोला था, तेरा मैक्सिमम उड़ान जेल का कटरी तक। तूने मेरे को बोला था ना टट्टी के माफिक सड़ने का, अब तू जेल में सड़ेगा टट्टी के माफिक, और ये है तेरा दर्द। व्यंकटेश, व्यंकटेश। चल ले जा से। आधा 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 करना। सुनिहाल सत श्री अकाल। बंदर ने तुझे आज तक अपने कुत्ते भाई के प्यार में बांध के रखा था ना, आज मैंने उसे भी तोड़ दिया। Thank you.
राजू, मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भैया, मुझे अब छोड़कर कभी मत जाना। नहीं जाऊंगा मेरे भाई, तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। देख, हमें हमारा खोया हुआ राजू मिल गया माँ, हमें हमारा राजू मिल गया माँ। दुनिया